हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सब, बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फीवर वगैरह बिल्कुल उतर चुका है। और ये जो आप क्लिप देख रहे हैं, ये है मंडे इवनिंग की। जैसे इवनिंग के टाइम में थोड़ी बहुत भूख लग जाती है ना, तो उसी में ही मैं यहाँ पर बना रही हूँ मैगी अपने तीनों के लिए ही। हस्बैंड भी घर पर ही थे तो मैंने कहा चलो तीनों के लिए बना लेती हूँ। और इसके बाद जो हमने डिनर बनाना था ना, वो भी नहीं बनाया क्योंकि मैगी से ही पेट भर गया था। और मैंने फिर भोग लगाने के लिए बना लिया था सेवियाँ, दूध में जो सेवियाँ बनाते हैं वो, और फिर वही थोड़ी थोड़ी हम तीनों ने भी खा ली थी। और ये प्याज कट कर लिया है मैंने, और गैस पर कढ़ाई रखी हुई है, उसमें ऑयल डाल दिया है, वो गर्म हो रहा है। और ये ना मैगी के ना डबल डबल वाले पैकेट हैं, जैसे 4 वो हो गई इसमें मैगी के पीस, जो 10 रुपीज़ की 1 आती है ना, तो ये 4 हो गए, तो ये 20 वाला 1 पैकेट था जैसे। और इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा डाल दिया है। वैसे मैं प्याज वाली मैगी बहुत कम बनाती हूँ, लेकिन उस टाइम पर ना मन कर गया था, तो चलो मैंने सोचा कि चलो आज बना ही लेते हैं मैगी प्याज डाल करके भी। और प्याज को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और इतने प्याज फ्राई होगा इतने में ये बर्तन लग रखे हुए हैं जो टोकरे में, जो मैंने दोपहर को क्लीन किए थे, उनको मैं लगा दूँगी और टोकरा खाली कर लेती हूँ अगले टाइम के बर्तनों के लिए। ये तो मतलब मेरा रूटीन का वर्क है ही है, इतने में खाना बनाती हूँ ना, इतने में ही इस टोकरे को खाली कर लेती हूँ। और ये देखिए प्याज मेरी ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब मैं इसमें ये मैगी मसाला ऐड कर दूंगी। मैं ना ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैगी में और कुछ ना डालूं, बस जो मैगी मसाला इसके साथ आता है वही डालूं, और उसी का ही टेस्ट ऑसम लगता है मैगी में। तो और ये वीडियो है ट्यूसडे मॉर्निंग की। ये जो ईंटें हैं वो जो सड़क पे लगती है ना, वो वाली ईंटें आई हैं। और ये हमारे घर के सामने ही जो खाली जगह है, और जहाँ पर ये ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, ये इस एरिए में लगाई जाएंगी। और बाहर से ना पक्का हो जाएगा, तो उससे ना फिर वो जो घास वगैरह कूड़ा वगैरह हो जाते हैं ना इकट्ठा इस साइड में, वो नहीं होगा। और जब ये लग जाएंगी तो मैं आपको दिखाऊँगी। और नेक्स्ट मंथ घर में शादी है, तो बहुत सारा काम चल रहा है आजकल। हेलो एवरीवन, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबसे बहुत दिनों के बाद बात कर रही हूँ। तो कैसे हो आप सब, हम रेडी हो गए हैं मार्केट जाने के लिए, और हम जा रहे हैं मार्केट शादी की शॉपिंग के लिए। तो सोचा कि चलो आज व्लॉग भी बना लेंगे, हमें ना आज जल्दी जाना था लेकिन हो गई है देर। अभी टाइम पता है क्या हो गया है, टाइम 1 बज चुका है और हमें 11 बजे के आसपास जाना था। हुआ क्या था कि पंडित जी आ गए थे, वो कथा वगैरह करने लग गए। उन्होंने खुद ही कहा कि इस पुरुषोत्तम मास की ना एक कथा होती है, बहुत अच्छा रहता है सुनना, तो हम सब फिर वो सुनने लग गए थे, इस वजह से थोड़ी देर हो गई। और बस अभी निकलने ही वाले हैं। मैं मास्क वगैरह चेक कर रही हूँ पर्स में है या नहीं है, वैसे तो हो गई, वैसे मैं उठा नहीं है शायद, उठा लेती हूँ दूसरा ही मास्क और पीहू ने भी नहीं उठाया अपना मास्क, पीहू का भी ले लिया है साथ में ही। और बस अभी हम निकलने ही वाले हैं, बस
again. So let's go. ये ना हम लास्ट में आए थे यहाँ पर, क्योंकि हम 1 बजे घर से निकले थे तो काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी। और यहाँ पर हम देख रहे थे लॉन्ग कुर्तीज़, और यहीं से ही मैंने अपना सूट भी लिया था। इसके पास ना काफ़ी अच्छी कलेक्शन होती है। ये लॉन्ग कुर्तीज़ देख रहे थे, पर पहले इनमें अच्छी नहीं लगती तो लगी, तो फिर स्कर्ट वाले सूट देखे। बट स्कर्ट वाले सूट का ना एक प्रॉब्लम हो जाती है, स्कर्ट वाला सूट एक बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। उसमें ना ये होता है कि हम फंक्शनल तो वो डाल सकते हैं, लेकिन जब फिर उसके बाद उसको यूज़ करते हैं ना तो वो हम नहीं डाल पाते हैं। जैसे मार्केट जाना हो गया या फिर आस पड़ोस में ही आसपास कहीं जाना हो गया तो वो बाद में नहीं डाल पाते हैं। और मैं आपके साथ ना अब शेयर करने वाली हूँ कि हम क्या क्या लेकर के आए हैं। तो एक सूट हम ये वाला लेकर आए हैं, और ये मैंने रिकॉर्डिंग पहले कर ली थी क्योंकि ये मेरा नहीं है और मतलब फैमिली में से ही है कि सबके, तो ये वहीं पर ही शॉप पे वो कर ली थी मैंने रिकॉर्डिंग। इसका ये वो थी स्कर्ट, ये दुपट्टा है, और इसके साथ है कमीज़, मतलब कि स्कर्ट वाला सूट लिया है हमने एक ये, और ये देखिए ये इस तरीके से है लाइट से कलर का। बताना ज़रूर ये वाला सूट कैसा लग रहा है। और ये देखिए, और पल्ला है बस इसका थोड़ा सा हैवी, और बाकी बिल्कुल सिंपल सा सूट है। और बाकी चीज़ें हम ये लेकर आए हैं, एक सूट ये वाला है, देखिए ग्रे दुपट्टा है और इसका ग्रे ही प्लाज़ो है। प्लाज़ो बनेगा अभी, इसका बना नहीं है, तो मतलब कपड़ा लेकर के आए हैं। और ये दुपट्टा मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इस टाइप से, और ये ना बिल्कुल प्रॉपर मैच भी हो गया था। और येल्लो कलर की हम शर्ट लेकर आए थे, जैसे बान वगैरह पर डालने के लिए, हल्दी फंक्शन पर डालने के लिए। इस बार हम प्लान कर रहे हैं कि येलो कलर ही सब डालेंगे। अब कौन डालता है कौन नहीं डालता है वो तो टाइम ही बताएगा, मतलब उसी टाइम पता लग पाएगा हमें। हमारी कोशिश जारी रहेगी कि हम सबको मतलब कन्विंस कर पाएँ कि वो सब येलो कलर डाल लें। और ये देखिए ये वाला सूट लेकर आए हैं, अब ये स्टिच करना है, और ये मुझे ही स्टिच करना है, कब तक होगा नहीं कह सकती कुछ भी। और इसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं क्या लेकर के आई हूँ। अब ये वही सामान है थोड़ा सा, एक ये प्लाज़ो का कपड़ा है, ये मेरे वाले मैं अपने सूट के लिए लाई हूँ, उसका ना प्लाज़ो ना फट गया था तो मैंने दूसरा ऐसे ही लगा लिया था टेम्परेरी, बट ये प्रॉपर कलर है जो चलेगा, जो मतलब मैच होगा ब्लू कलर के कुर्ते के साथ। और एक हम ये वाला प्लाज़ो का कपड़ा लेकर आए हैं, इसका भी प्लाज़ो बनेगा, और एक ये पड़ा हुआ है लाइनिंग वाला, ये भी प्लाज़ो का कपड़ा ही है। मतलब प्लाज़ो ना इनके
प्लाजो, ये जो अलग से कपड़ा आता है ना, थोड़ा सा ढीला ढीला सा कपड़ा होता है, जो मतलब कॉटन के प्लाजो तो नहीं अच्छे लगते, थोड़ा सा ढिलकना सा कपड़ा होना चाहिए, उसके प्लाजो अच्छे बन जाते हैं। और हम कप वगैरह भी लेकर आए थे जो दूसरी पॉलिथीन में रखे हुए हैं इसमें, और दो डिज़ाइन के कप हैं। तो चलिए अब मैं इसके बाद आपको मिलती हूँ ऑन कैमरा। हेलो एवरीवन, अभी बज चुके हैं रात के 8 और दिन में मैं आपसे बात नहीं कर पाई हूँ। तो चलिए मैं आपको पहले दिन बता देती हूँ कि आज क्या दिन है या था, ख़त्म ही हो गया वैसे तो। आज था मंगलवार और हम मंडे को नहीं गए मार्केट में, क्योंकि मंडे को ना मार्केट बंद रहती है यमुनानगर। तो जो मुझे कुरियर शिपिंग करवानी होते हैं वो भी मैंने मंडे को वैसे डे फिक्स किया हुआ है लेकिन आज करवा दिए, वही कि कल नहीं जा पाए, मतलब कल मार्केट नहीं जा पाए जा सकते थे इस वजह से आज ही गए थे। और बहुत दिनों के बाद मैं मार्केट गई हूँ तो मैं आपको भी दिखाने वाली हूँ कि हम क्या क्या लेकर के आए हैं। ज़्यादा सामान तो नहीं लिया है, खाने पीने की मूँगफली ली है, मम्मी ने लेनी थी ढोलक तो मम्मी को ढोलक दिलवा दी है, और खुशी की ड्रेस देख रहे थे पसंद नहीं आई उसको कहीं पर भी तो उसकी नहीं ली है आज कोई भी ड्रेस, और पीहू की ड्रेस ली है और जो बिल्कुल भी पीहू को पसंद नहीं है, और मैंने बिल्कुल कैजुअल लिया, कोई पार्टी वेयर ड्रेस नहीं ली है, इसके पास पार्टी वेयर ड्रेसेस हैं तो इस वजह से मैंने पार्टी वेयर ड्रेस नहीं लेनी थी इसकी। सिंपल जैसे हल्दी सेरेमनी के लिए ना बान वाले दिन येलो कलर डालना है, सबने मतलब ड्रेस फिक्स किया है हम सब ने, तो येलो इसके पास नहीं थी कोई टॉप वगैरह, ड्रेसेस देखी येलो कोई अच्छी नहीं लगी तो मैंने अपनी पसंद से येलो टॉप और इसकी ना लेगिंग ले ली है, जैगिंग ले ली है, वो इसको पसंद नहीं आ रही है बिल्कुल भी। और मैं दिखाती हूँ आपको, आप बताना ज़रूर कि कैसी लग रही है। और मैंने एक सूट लिया है अपने लिए, मतलब मैंने येलो लिया है मुझे बहुत अच्छा लग रहा था वो इसलिए लिया है, हल्दी सेरेमनी पर डालूंगी या नहीं डालूंगी वो तो बाद में पता लगेगा, बट चलो मैं आपको ना थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ, तो आप सर फिर बताना कि ये कैसा लगा है। रखे हुए हैं ये 2 लोअर लेके आई हूँ मैं हस्बैंड के, इनके लोअर हो चुके हैं ख़राब पुराने वाले, और ये वाला कलर ना सुरमई कलर होता है ना जैसे सुरमई वाला ब्लैक कलर वो है, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये वाला, सिंपल है बाकी प्लेन। और ये है पीहू की ड्रेस, ये देखिए ये पीहू की ना टी शर्ट है इस तरीके की, सिंपल सी है बिल्कुल, और ये वाला कलर है इसकी पैंट का, जैगिंग है, बहुत प्यारा कलर है और बिल्कुल मना कर रही है कि नहीं मुझे नहीं डालना है। और ये है मेरा सूट, ये देखिए ये इस तरीके का इसका कुर्ता है, और ये जो है ये कुर्ता प्लेन आ जाएगा, और जो ये है ना ये यहाँ से ये है इसका वो प्लाजो। हमने आज क्या, मैं आपका सूट ना खोल के नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि आप बोलोगे कि खोल के नहीं दिखाया सूट अच्छे से, तो थोड़ा सा सरप्राइज होना चाहिए, जब मैं डालूंगी ना अच्छे से तैयार होंगी तब दिखाऊंगी कि सूट कैसा लग रहा है। अभी मैं इनको रख देती हूँ अलमारी में। और आज हमने मार्केट में खाना खाया था, आज 4 बजे डोसा खाया था मैंने, पीहू ने खाई थी चाउमीन, और सबने चाट वगैरह खाया था सबने, और तो ना अभी भूख नहीं है। फिर शाम को वापस आए जैसे जगाधरी वाले घर में, तो वहाँ आंटी के घर चाय पी थी, इतने हस्बैंड चले गए थे वो करवाने के लिए, कुरियर शिपिंग करवानी थी 2-3 वो करवाने के लिए। और बस अभी एक मतलब हाफ शॉपिंग जो है हमारी कह लीजिए हो चुकी है, 1-2 बार और जाना पड़ेगा मार्केट क्योंकि थोड़ा सा सामान है जो ज़रूरी ज़रूरी वो रह गया है, और बस वो लेके आने के बाद हमारी शॉपिंग हो जाएगी कंप्लीट। और कैसे लगे हैं हमारी कपड़े, पीहू के बताना ज़रूर कि कैसे लगे हैं, पीहू को बिल्कुल पसंद नहीं है तो ताकि मैं उसको भी दिखा सकूँ कि हाँ देखो कमेंट आए हैं आपके अच्छे हैं, पता नहीं क्यों नहीं पसंद है, क्या चाहिए था उसे। मुझे ऐसी ड्रेस लेनी थी उसकी, क्योंकि बच्चे ना हैवी ड्रेस घर पे नहीं डालते हैं, ये तो बिल्कुल नहीं डालती, आज इसने फ्रॉक डाली है जो ये घर पे डालने की है ही नहीं, तो इस वजह से मैं इसकी ऐसी ड्रेसेस लेती हूँ जो पार्टी वियर भी चल जाए बाद में जैसे कैजुअल वियर में भी काम आ जाए, तो इस वजह से ये सब। और मतलब सुबह के क्या हम लेट हो गए थे, 12-1 बज गया था हमें जाते जाते, तो इस वजह से हमें घर आने में भी देर हो गई। और अभी रात को आते हुए हस्बैंड ने खा लिया है चाट, और मुझे तो भूख ही नहीं थी, पीहू ने और हस्बैंड ने वही खा लिया है, और कान्हा जी थे आज हमारे शीतल लड़के घर गए हुए तो वो वहीं पर ही भोग लगा के आए हैं, तो अभी खाने वगैरह का काम हमारा कुछ नहीं है इस टाइम का। और ये देखिए मैं अपने आप को रूम की कंडीशन दिखाती हूँ, वो जो सोफे पे सूट पड़े हुए ना मेरे को सारे स्टिच करने हैं, और देखते हैं कल से लगेंगे सूट स्टिचिंग पे, चल भी रही है सूट स्टिचिंग, सिला हुआ पड़ा है उसके मैं भी रही है सूट स्टिचिंग, अभी ना सिला हुआ एक सूट रखा हुआ है उसकी ना मैं तुरपाई कर लेती हूँ बैठ के। और बहुत दिनों के बाद मैंने व्लॉगिंग करने की कोशिश की है, तो ज़रूर बताना कि मेरा व्लॉग कैसा लगा, और मैं व्लॉग का एंड भी यहीं पर ही कर देती हूँ। बहुत दिनों से कोशिश कर रही थी कि व्लॉग बनाऊँ बट
चल रहा था ऐसी, बीच में तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, फीवर ऐसा हो रहा था कि फीवर चढ़ता था, दवाई खाती थी तो उतर जाता था। और टेस्ट वगैरह भी करवाए हैं काफ़ी सारे, नॉर्मल थे टेस्ट तो, खैर थोड़ी बहुत ही कमी थी। थायराइड की प्रॉब्लम आ गई है एक तो, उसका मतलब उसकी दवाई शुरू हो गई है, सुबह खानी होती है, और भी दवाई चल रही है वो भी खानी होती है सारी। और मतलब एकदम मेंटली से भी जैसे हम परेशान हो जाते हैं जब बीमार हो जाते हैं ना, तो वो सब कुछ था, इसी वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पा रही थी। और तो चलिए व्लॉग का ना यहीं पर ही एंड कर देते हैं हमारा छोटू सा व्लॉग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और बताइएगा ज़रूर व्लॉग कैसा लगा आज का। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, खुश रहिए।